वेलकम बैक टू माय नेचर करीमर ब्लॉग। तो आज हम बना रहे हैं स्पेशल रबड़ी, एक सिंपल तरीके से स्पेशल रबड़ी। तो ये मैंने फुल क्रीम वाला दूध लिया है, इसमें मलाई भी है, आप देख सकते हैं पूरी फुल क्रीम वाला ये दूध है, परत बनी हुई है। आप चाहे तो फ्रेंड्स पैकेट वाला भी ले सकते हैं। पैन मैंने रख दिया है गर्म करने, थोड़ा सा इसमें हम ग्रीस कर देंगे घी वाला, जिससे हमारा ये हम ये दूध डालेंगे तो वो चिपकेगा नहीं, लास्ट तक अच्छा रहेगा। तो मैंने इसको ग्रीस कर दिया है घी से, सिर्फ देसी घी डालना है सिर्फ आपको एक चम्मच। आप देख सकते हैं ये मैंने फुल क्रीम वाला दूध लिया हुआ है। ये फुल क्रीम वाला मैंने दूध लिया है। अब इसको हम अच्छे से बिल्कुल हाई फ्लेम पर अच्छे से बॉईल करेंगे, जिससे हमारी ये रबड़ी जल्दी से बनके रेडी होगी। इसके आगे इसमें क्या क्या डालना है मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें डालने के लिए मैंने ये 150 ग्राम चीनी ली है, क्योंकि हमारा 1 kg दूध था तो मैंने ये 150 ग्राम पनीर लिया है। इसमें हम इसे हम कद्दूकस करेंगे, बढ़िया ग्रेट करके रखेंगे। तो इसको मैं ग्रेट कर लूँगी पनीर डालने के लिए। और इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे नेस का, ये मैंने मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर भी मैं मेजर के हिसाब से लूँगी 4 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और इसमें इलायची ये भी दरदरी कूट के डालूँगी। तो ये चारों सामान इसमें पड़ना ज़रूरी है। और इसमें गार्निश के लिए इसमें अगर आप डालना चाहें तो काजू पिस्ते और बादाम कुछ भी आप इस आपके उसमें डाल सकते हैं। मैं ऊपर गार्निश के लिए डालूँगी, बहुत अच्छे लगते हैं गार्निश में पिस्ते ओनली। पनीर डाल लच्छेदार, हमारी लच्छेदार बन के रेडी होगी फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी और लच्छेदार बन जाएगी एकदम। तो पनीर को मैंने इस तरह से किस लिया है। तो फ्रेंड्स सारा सामान हमारा रेडी हो चुका है। ये मैंने कुछ काजू और बादाम कट करके रखे हुए हैं, और ये मैंने आपको बताया है ये इलायची है, और ये मिल्क पाउडर है। मिल्क पाउडर मैंने 4 चम्मच लिया हुआ है, 4 टेबल स्पून। और ये मैंने 150 ग्राम लिया, ये पनीर भी 150 ग्राम लिया, और इसको मैंने कद्दूकस किया है, आप देख सकते हैं। गाढ़ा होने वाला है, एकदम थिक होने वाला है, ये आप देख सकते हैं बहुत ज़ोर से उफान आ रहा है इसमें, और धीरे धीरे ये थोड़ा थोड़ा थिक हो जाएगा। और इसमें हम सारी चीज़ें अपनी ऐड करते चलेंगे, सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे एक एक से ऐड करना है। इसमें आप देख सकते हैं ये पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा और गाढ़ा होने देते हैं। दूध हमारा अच्छे से उफान पर है, अब इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर आप चाहें तो दूध में घोल के भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी, बस आपको हिलाते रहना है दूध को, और अच्छे से ये इसमें मेल्ट हो जाएगा मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने के बाद ये दूध हमारा थोड़ा सा और थिक होने लगेगा। इसका ज़्यादा थिक होना ही जरूरी है। पाउडर डालने के बाद थोड़ा से इसे और दो वाली आने देते हैं, जब तक और थिक हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें पनीर ऐड करेंगे।
तो फ्रेंड्स दूध हमारा बहुत ज़ोर से उफान पर है। अब इसमें हम पनीर ऐड कर देंगे। पनीर डालने के बाद थोड़ा सा ये नॉर्मल होने लगेगा। ये हमारा दूध साइडों में चिपकने भी लगा है, आप देख सकते हैं। अब इस टाइम पर हम अपने इसमें सारे मेवे मिला देंगे, काजू पिस्ता बादाम और इसमें शक्कर भी ऐड कर देंगे। शक्कर डालने के बाद ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है क्योंकि शक्कर पानी छोड़ती है। इसके बाद इसे थोड़ा सा और उबलना है, बस आए तो ये अपने आप हमारी रबड़ी बनके रेडी हो जाएगी। इसको और 10 मिनट और लगेंगे इसको पकने में। अभी 10 मिनट के बाद हमारी रबड़ी पूरी फुल रेडी हो जाएगी, तैयार होके। इसी टाइम में ये दो इलायची कूट के डाल देती हूँ, इसका फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स रबड़ी हमारी बल्कि एकदम थिक हो चुकी है, आप देख सकते हैं चारों तरफ से ये बहुत ज़्यादा चिपकने लगी है। आप देख सकते हैं कितनी लच्छेदार बनके रेडी हुई है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, बस आप नहीं अभी इसे पकाना है, बस इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो मैं आपको इसे निकाल के ठंडा करके दिखाती हूँ कि रबड़ी हमारी किस तरह से बनके रेडी हुई है। तो फ्रेंड्स कम से कम टाइम में बनने वाली है हमारी रबड़ी, बहुत कम से कम टाइम में ये बन के रेडी हुई है। झटपट इसे बना लेते हैं, कोई टाइम नहीं लगता है, ओवर टाइम नहीं लगता है। एक बहुत अच्छी स्वादिष्ट मिठाई है। कुछ इसमें हम डाल देते हैं, मैंने केसर नहीं डाली है, ऊपर गार्निश में केसर डाल दूंगी, चिरौंजी डालना भूल गई थी। तो फ्रेंड्स इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, 5 मिनट ठंडा हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी थिकनेस का है। 20-25 मिनट में बनने वाली ये बहुत शानदार मिठाई। बहुत मैंने स्पेशल रबड़ी आज ठाकुर जी की भोग के लिए बना रही हूँ। और इसको गार्निश करेंगे कुछ पिस्ते और किशमिश से। और कुछ केसर की पत्तियों से। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये मेरी रबड़ी, आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बनके रेडी हुई है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता है, और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू एंड बाय बाय। और एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर और सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।